जैक्सन से उसके तो भाई किसी का ही तो भाई इतनी वायलेंस हुआ है आज बहुत दिन से ये चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले आप जानते हो जो हमारा त्रिपुरा का बहुत सारे स्टूडेंट करीब करीब 250 से 300 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहा था। हम लोग इन लोगों को लेके आए यहाँ पर, इसकी कहानी आप सब जानते हो। ऊपर से अभी वहाँ पर जो इतनी वायलेंस है बहुत जगह में, अभी जो वहाँ पर कैंप है उस कैंप में हम लोग रिलीफ जो सामग्री है वो भेज रहे हैं हमारा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और वहाँ हम लोग हैंडओवर करेंगे इसको भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश जो वहाँ पर सभापति और ये सब कार्यकर्ता है उनके पास हम लोग भेज रहे हैं। उससे जैसे गारमेंट से शुरू करके खाने का चीज़ सब चीज़ भेज रहे हैं, करीब करीब 25 टन हम लोग सामग्री भेज रहे हैं। सर उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज क्या है, ये तो शांति बहाल रहे और वहाँ पर किसी अशांति करके कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इतना शांति में है अभी, तो ये अभी हुआ ये नहीं होना चाहिए और मैं अपील करूँगा यहाँ पर शांति बहाल हो। और हमारा चीफ मिनिस्टर जी बहुत कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर जाके लॉ एंड ऑर्डर वहाँ बरकरार है। मणिपुर में इतनी वायलेंस हुआ है आज बहुत दिन से ये चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले आप जानते हो जो हमारा त्रिपुरा का बहुत सारे स्टूडेंट करीब करीब 250 से 300 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहा था। हम लोग इन लोगों को लेके आए यहाँ पर, इसकी कहानी आप सब जानते हो। ऊपर से अभी वहाँ पर जो इतनी वायलेंस है बहुत जगह में, अभी जो वहाँ पर कैंप है उस कैंप में हम लोग रिलीफ जो सामग्री है वो भेज रहे हैं हमारा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और वहाँ हम लोग हैंडओवर करेंगे इसको भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश जो वहाँ पर सभापति और ये सब कार्यकर्ता है उनके पास हम लोग भेज रहे हैं। उससे जैसे गारमेंट से शुरू करके खाने का चीज़ सब चीज़ भेज रहे हैं, करीब करीब 25 टन हम लोग सामग्री भेज रहे हैं। सर उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैसेज क्या है, ये तो शांति बहाल रहे और वहाँ पर किसी अशांति करके कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इतना शांति में है अभी, तो ये अभी हुआ ये नहीं होना चाहिए और मैं अपील करूँगा यहाँ पर शांति बहाल हो। और हमारा चीफ मिनिस्टर जी बहुत कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर जाके लॉ एंड ऑर्डर वहाँ बरकरार है। थैंक यू।